फाइनली मैंने अपने गेम में न्यू डायनासोर को ले लिया और अपने न्यू डायनासोर को इजी तरीके से एंजॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा और मुझे अपने न्यू डायनासोर का चीट को नंबर भी पता चल चुका है। और अगर आप लोगों को भी अपने गेम में न्यू डायनासोर का चीट को नंबर नहीं पता तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं और अपने गेम में एक न्यू डेंजरस डायनासोर का चीट को नंबर भी बताने वाला हूं। तो थार का क्या चीट को नंबर होना है, कौन से चीट को नंबर से आप लोग अपने न्यू थार को स्पॉन करवा सकते हो और कौन से चीट को नंबर डायल करके आप लोग अपने डॉग को राइड कर सकते हो, डॉग को राइड करने का क्या चीट को नंबर है वो भी आप लोग को आज की वीडियो में बताना हो और कौन से चीट को नंबर डायल करके आप लोग अपने गेम में न्यू बोर्ड को स्पॉन कर सकते हो, बोर्ड का चीट नंबर भी फाइनली आ चुका है तो वोट का चीट का नंबर भी बताने वाला हूं। और गेम के डेवलपर फाइनली न्यू अपडेट प्ले स्टोर पे दे दिया है लेकिन काफी बंदे का न्यू अपडेट प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिला क्योंकि आप लोगों ने गिलीच आ रहा है तो वो गिलीच को कैसे सही करना है अपने न्यू अपडेट को करना है तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक कर दिया। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अपने न्यू अपडेट को कैसे कर सकते हो और अपने न्यू अपडेट के क्या क्या चीट को नंबर आए तो सारे न्यू चीट कोड भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। न्यू चीट को नंबर जैसे मैं करने वाला हूं वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है तो चलो आप लोगों को एक करके चीट को नंबर बताता हूं। जैसे मैं अपने न्यू चीट को नंबर करता हूं वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है और न्यू अपडेट को करके भी दिखाता हूं। बिना किसी को छोटे से लोग को फिर से और अभी आप लोगों को अपने गेम में सारे न्यू चीट कोड नंबर बताता हूं और मैं आप लोगों को अपने गेम में जैसे मैं अपने न्यू चीट कोड करने वाला हूं बेस आप लोग भी अपने गेम में सारे न्यू चीट कोड नंबर करने। अब आप लोग काफी ज्यादा मेरे पास कमेंट करके बोल रहे थे भाई अपने न्यू अपडेट प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिल रहा है तो आज की वीडियो में बताने वाला आप लोग अपने गेम को प्ले स्टोर से कैसे कर सकते हो और न्यू अपडेट की फिकडेट क्या होने वाली है तो चलो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को अपडेट कैसे करके बताता हूं एंड उसके बाद आप लोगों को अपने गेम में सारे न्यू चीट कोड नंबर भी बताऊंगा। गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा चीट कोड नंबर बताऊंगा जिस चीट कोड को नंबर डायल करोगे आप लोग अपने गेम में ये वाला डायनासोर स्पॉन कर पाओगे। ये वाला डायनासोर को एंजॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है और ये दोस्त मेरा होता है ठीक है मतलब ये डायनासोर मुझे मारेगा नहीं और ये मेरा दोस्त बन चुका है। अब आप लोगों को बता दो अपने गेम में कौन सा चीट कोड हमें डायल करना है आप लोग भी अपने गेम में इसको स्पॉन करवा सकते हो साथ ही आप लोग अपने गेम में न्यू थार को किस चीट कोड से स्पॉन करवा सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को बता दो अपडेट को प्ले स्टोर से कैसे कर सकते हैं तो न्यू अपडेट को करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना इंडियन बैंक क्रेडिट जैसे प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो यहाँ पे न्यू अपडेट देखने को मिल जाता है बट काफी यहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिला है यहाँ पे एक गिलीच हो रहा है। अगर आप लोगों का भी गिलीच को मिले तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने गिलीच को सही कर पाओगे और आप लोगों को आज मैं एपीके भी देने वाला हूं जिसके मदद से अपने गेम में मैं न्यू डायनासोर को और बहुत सारी चीजों को एंजॉय कर पाता हूं। अपने गेम में सारे न्यू चीट को नंबर बता दो और अपने गेम में जैसे मैं अपने सारे न्यू चीट को नंबर करने वाला हूं बेस्ट वे आप लोगों को भी अपने गेम में सारे न्यू चीट को नंबर डायल करने। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो। अगर 10 दिन के लिए एक मेंबरशिप में अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है 10 दिन के अंदर अंदर तो मैं उसका प्रमोशन फ्री में करूंगा लेकिन अगर 10 दिन के बाद करेगा तो प्रमोशन नहीं करूंगा। तो जल्दी से आप लोग केवल टाइम बहुत वैलिड है और आप लोग जितनी जल्दी प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन करके मैं स्क्रीनशॉट इस पे भेज देना। अभी आप लोग अपने गेम में सारे न्यू चीट कोड नंबर बता तो अपने गेम में सारे न्यू चीट कोड नंबर जैसे मैं करने वाला हूं वैसे वैसे आप लोग भी करने। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा न्यू डायनासोर का चीट कोड नंबर जो कि काफी लोगों को अभी तक अपने गेम में न्यू डायनासोर का चीट कोड नंबर नहीं मिला है तो मैंने तो अपने गेम को अपडेट कर लिया और गेम को अपडेट करोगे और अपडेट करने के बाद जैसे गेम ओपन करोगे फर्स्ट मिलेगा सेटिंग चैलेंज का तो चैलेंज वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहां पे एक न्यू डायनासोर जार पार्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जार पार्क आप लोग अगर क्लिक करते हो तो आप लोगों का कैरेक्टर इजी तरीके से जार पार्क में पहुंच जाएगा एंड आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना एंड वेट करने के बाद आप लोग देखोगे आप लोगों के गेम में दो न्यू डायनासोर देखने को मिलेंगे। पहला तो ये वाला डायनासोर देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों का दोस्त है बट अपने गेम में सेकंड जो डायनासोर है वो आप लोगों को मार देता है इजी तरीके से क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस है ठीक है मतलब टीरेस डायनासोर से भी ज्यादा डेंजरस है। सारे न्यू चीट कोड आप लोगों को एक करके चीट कोड नंबर बता रहा हूं मैं छोटी सी ट्रिक को भी बता रहा हूं। इस ट्रिक में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है तो इस ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि इस ट्रिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फुल है। आप लोगों को सबसे पहले अपने एक साइकिल को लेना है और साइकिल को बिल्कुल इस तरह से खड़े कर देना जैसे कि मैंने बिल्कुल खड़ा कर दिया ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसी तरीके से उतर जाना है ऐसा ऑप्शन आ जाएगा एंड जैसे आप लोग अपने गेम में इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद आप लोग देखोगे आप लोगों का जो करेक्टर है वो कितनी ज्यादा हवा में उड़ जाएगा एंड उसके साथ साथ आप लोगों का जो हेलीकॉप्टर है वो भी ड्राइव होने लग जाएगा। देखिए तो काफी ज्यादा यूनिक ट्रिक है आप लोग इस तरह से ट्राई करोगे तो आप लोगों को तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है अपने करेक्टर को एंजॉय करने में और साथ ही अपने हेलीकॉप्टर को दोनों को एक साथ चलाने में बट अपना जो ट्रिक है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने जो करेक्टर के कितने ज्यादा लंबे पैर हो चुके हैं और अपने जो पैडल है वो ऑटोमेटिकली चलने में लगे हुए हैं। मैं ट्राई करके देखना मुझे तो काफी ज्यादा यूनिक ट्रिक लगी है तो आप लोगों को कैसे ट्रिक लगी है मेरे को कमेंट करके बताना। और अभी आप लोग अपने गेम में सारे न्यू चीट को नंबर बता दो और अपने गेम में जैसे मैं अपने न्यू चीट को नंबर करने वाला हूं वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है एंड आप लोग अपने गेम में अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख ली तो ये वाले मेरे को इमोजी भेज देना काफी अभी तक लेके जल्दी से लाइक मार दो केवल आप लोगों के लिए मैंने 4000 लाइक का टारगेट रखा। आई होप आप लोग कंप्लीट करोगे सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब भी करो एंड इस समय फॉलो कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सबसे पहले चीट को नंबर आप
लोगों को बताता हूँ। जो सबसे पहले चीट को नंबर होने वाला, आप लोग काफी ज्यादा कमेंट करके बोल रहे थे, अपने पुलिस स्टेशन के अंदर कैदी और पुलिस वाले देखने को नहीं मिलते, तो कौन से चीट कोड के नंबर से आप लोग अपने गेम में पुलिस एंड कैदी को ऐड कर सकते हो, चलो आप लोगों को बताता हूं। देखो मैंने अपना न्यू अपडेट कर लिया, लेकिन आप लोगों को न्यू अपडेट करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को न्यू अपडेट को कैसे करना वो आप लोगों को सीक्रेट सेटिंग पता चल जाएगी। राइट, अभी अपने गेम में पहले आप लोगों को पुलिस स्टेशन पर क्या चेंज हुआ है और अपने गेम में न्यू अपडेट को करने के बाद आप लोगों को कैसे पुलिस स्टेशन देखने को मिलेगा, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग अपने गेम में पुलिस स्टेशन पर आने के बाद जैसे आप लोग यहां पे देखोगे, देखो देख सकते हो आप लोगों को सामने की साइड दो पुलिस वाले देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग जैसे अंदर जाओगे आप लोगों को तीन पुलिस वाले सामने की साइड देखने को मिल जाएगा और चेयर पे कोई तीन एनपीसी देखने को मिल जाते हैं एंड आप लोगों को अंदर एक कैदी भी देखने को मिल जाता है जो कि अभी बेचारा बंद है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने गेम में इधर की साइड देखोगे आप लोगों का जो सीढ़ी है वो भी पूरा अपना जो सेकंड फ्लोर है वो पूरा खुला हुआ है, तो हम लोग अपने गेम में सेकंड वाले फ्लोर को बाद में एंजॉय करेंगे। हम लोग अपने गेम में और भी बहुत सारे चीट को नंबर देख लेते हैं अपने गेम में, आप लोगों को न्यू अपडेट करने के बाद इसी तरीके से पुलिस स्टेशन पर आने के बाद आप लोग इन सभी को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों के गेम में इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि आप लोगों ने अभी तक न्यू अपडेट नहीं करा, इसलिए आप लोगों के अपने गेम में बाहर पुलिस वाले और अंदर पुलिस वाले देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अभी आप लोग अपने गेम में न्यू चीट को नंबर बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं, आप लोग काफी ज्यादा कमेंट करके बोल रहे थे अपने गेम में न्यू थार का चीट को नंबर क्या है और न्यू थार को हम लोग अपने गेम में कैसे स्पॉन कर सकते हैं। तो अपने जो गेम के डेवलपर फाइनली अपने गेम में उन्होंने न्यू थार को ऐड कर दिया और अपने न्यू थार को मैं इसी तरीके से एंजॉय कर पा रहा हूं। तो आप लोगों को बता दो आप लोग भी अपने गेम में न्यू थार को कैसे ले सकते हो और न्यू थार का क्या चीट को नंबर होने वाला है। आप लोग अपने गेम में 9090 डायल करोगे आप लोग फोन निकाल के, तो वैसे आप लोग गेम में इसी तरीके से थार स्पॉन हो जाती है। बट आप लोगों को बता दो जैसे आप लोग अपने गेम में 9090 डायल करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई थार स्पॉन हो चुके हैं, बट इस वाले अपडेट में जैसे आप लोग अपडेट के बाद ये वाला चीट को नंबर डायल करोगे आप लोग की गेम में मेरी जैसे मैं अपने न्यू थार को एंजॉय कर रहा हूं, तो इसी तरह से आप लोग अपने गेम में न्यू थार को एंजॉय कर पाओगे। आप लोग अपने गेम में सेकंड चीट को नंबर बताता हूं। जो सेकंड चीट को नंबर होने वाला, आप लोग काफी ज्यादा कमेंट करके बोल रहे थे हम लोग अपने गेम में डॉग को राइड नहीं कर पाते और डॉग को राइड करने का क्या चीट को नंबर है, भाई अपने गेम में बता दो चीट को नंबर बताता हूं। जैसे आप लोग अपने गेम में 600 डायल करोगे आप लोग अपने गेम में इसी तरह से डॉग का स्पॉन हो जाएगा और ये जो डॉग है वो आप लोग अपने गेम में अगर भागोगे तो आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से फॉलो करता है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे भाई इसके ऊपर हम लोग कैसे बैठ सकते हैं, इसका क्या चीट को नंबर है, चलो मैं आप लोगों को वो भी चीट को नंबर बताता हूं। तो जैसे आप लोग अपने गेम में इसके पास में आओगे तो आप लोगों को अपने गेम में कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं इस वाले अपडेट में आप लोग जैसे इसके पास में आओगे तो आप लोगों को ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इस पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपने गेम में इजी तरीके से इसको ड्राइव कर पाओगे। अभी आप लोग सोचेंगे भाई अपडेट को कैसे कर सकते हैं, तो अपडेट की सीक्रेट सेटिंग आप लोगों को इस लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगी, या फिर बीच में भी वो सीक्रेट सेटिंग बता सकता हूं कि अपडेट को कैसे करना है। ठीक है, आप लोग अपने अपडेट को अभी करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने गेम में इसको इजी तरीके से डाइट कर पाओगे। तो इसका चीट को नंबर है, तो इसका चीट को नंबर 600 ही है, तो आप लोग अपने गेम में डायल कर लेना। दो चीट को नंबर बता दिए, एक न्यू थार का एक डॉग का। अभी आप लोगों को बोट का चीट को नंबर बता देता हूं। तो बोट का जो चीट को नंबर है आप लोगों को पानी में स्पॉन करवाना है। अगर आप लोग नीचे इसको स्पॉन करवाओगे तो बाद में कमेंट करके मत बोलना, क्योंकि नीचे स्पॉन बोट नहीं होती है। ठीक है, वैसे नीचे स्पॉन हो जाती है बट चलती नहीं है। ठीक है, इसलिए बोट को आप लोग पानी में एंजॉय करना है। एंड बोट को स्पॉन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने गेम में 222 एंड जैसे आप लोग अपने गेम में 222 डायल करोगे आप लोग की गेम में बोट आ जाएगी और आप लोग इसी तरीके से बोट के ऊपर बैठ जाना। ठीक है, सोचेंगे भाई ये तो एटीवी बाइक का चीट को नंबर है, आप एटीवी बाइक का क्यों चीट को नंबर बता रहे हो? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं इस वाले के अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में न्यू बोट भी देखने को मिलने वाले हैं और गेम के डेवलपर ने पूरा कंफर्म कर दिया। हालांकि मैं आप लोगों को उनका मैसेज नहीं दिखा सकता, मैं बोट को तो फाइनली ऐड कर दिया बट बोट के अंदर ऐसे बहुत सारे गिलीच आ रहे हैं जिसकी वजह से बोट को पानी में रन करवाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं हमारे जो गेम के डेवलपर है उन्होंने अपने गेम में पानी को ही चेंज कर दिया और इस तरह से आप लोगों को इस वाले अपडेट में पानी भी देखने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि अपने गेम में इस वाले के अपडेट में अब इसके पानी के अंदर इसी तरह से बोट चल पा रही है, तो आप लोगों को एक दो दिन के अंदर अपनी जो बोट का पूरा गेम प्ले वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को अपने गेम में इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो अपने गेम के डेवलपर ने पानी को चेंज करा, लेकिन आप अपने गेम में बोट को ऐड करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बता दूं अपने गेम में न्यू डायनासोर को ड्राइव कैसे कर सकते हैं और न्यू डायनासोर का क्या चीट को नंबर हो। गेम को ओपन करने के बाद चैलेंज वाले ऑप्शन में जाकर अपने जार पार्क पर क्लिक कर देना, जब भी आप लोगों के गेम में डायनासोर वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गेम है वो इसी तरह से जार पार्क से स्टार्ट हो जाता है और जैसे आप लोग थोड़ी से आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को टीरे डायनासोर भी देखने को मिल जाता है जो कि अपने ऑटोमेटिकली स्पॉन होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपने गेम में सबसे पहले आके इनफिनिक्स हेल्थ का चीट को नंबर लगा लेना है। एंड अब आप लोगों को अपने गेम में बताता हूं अपने गेम में जो न्यू डायनासोर है उनका क्या चीट को नंबर होना है एंड उनको कौन से चीट को नंबर से हम लोग अपने गेम में स्पॉन कर पाएंगे। लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम में इस तरह से न्यू डायनासोर को ले लिया और इनकी जो गर्दन है वो कितनी ज्यादा बड़ी देखने को मिल जाती है। अरे भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ठीक है, मतलब ये जो डायनासोर है वो काफी ज्यादा यूनिक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये डायनासोर कैसे देखने को मिला है। लेकिन अपने गेम में उन्होंने एक और न्यू डायनासोर बनाया जो कि ये वाला डायनासोर होने वाला है। आप लोग इस डायनासोर के पास में जाओगे तो आप लोग अपने गेम में इसी तरह से डायनासोर आएगा और आप लोगों को मार देगा। ठीक है, आप लोग इनफिनिक्स चाइल्ड का चीट को नंबर लगा लो या फिर ना लगाओ। ठीक है, अपने गेम में आप लोगों को एक डेंजर डायनासोर देखने को मिलता है लेकिन एक जार पार्क में प्यारा क्यूट डायनासोर देखने को मिलता है जिसकी नाड़ तो काफी ज्यादा लंबी है लेकिन ये बेचारा कुछ नहीं कहता। ठीक है, आप लोग अपने गेम में बताता हूं कौन से चीट
को नंबर डायल करके आप लोग अपने गेम में डायनासोर को स्पॉन करवा सकते हो। मैंने गेम के डेवलपर्स पूछा कि सर अपने गेम में जो डायनासोर ऐड हुए हैं क्या आप लोग अपने गेम में चीट कोड के थ्रू उनको स्पॉन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। गेम के डेवलपर सबसे मैसेज आया ये कुछ ऐसा बना रहा हो जिससे कि डायनासोर चीट कोड से आप लोग स्पॉन कर पाओ, ठीक है। तो इस वाले के अपडेट में आप लोग अपने गेम में चीट कोड से अपने न्यू डायनासोर को ऐड कर पाओगे एंड चीट कोड से इसी तरीके से आप लोग स्पॉन कर पाओगे। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं केवल आप लोग अपने गेम में अपने न्यू वाले डायनासोर को स्पॉन करवा पाओगे चीट कोड के थ्रू। अपने गेम में 50-50 डायल करके एक न्यू डायनासोर को स्पॉन करवाते हैं, उसके पास में जाकर ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से अपने गेम में एक न्यू टीरस डायनासोर के ऊपर बैठने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ड्राइव कर पाओगे क्योंकि अपने गेम में अगर बड़े बड़े डायनासोर रहेंगे तो टीरस डायनासोर को ड्राइव करने में काफी ज्यादा मजा आएगा ना, तो इसलिए आप लोगों को यार 50% चांसेस है। लेकिन उन्होंने बोला कि टाइम मिलता है तो आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को अपने गेम में न्यू अपडेट में बड़े टीरस डायनासोर को भी ड्राइव करना और टीरस डायनासोर ओपी लिख देना। आप लोग कमेंट होंगे तो इस बार के अपडेट में उसको भी उसके ऊपर बैठने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों को बता दो आप जब अपडेट को कैसे कर सकते हैं और अपडेट को करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो अपडेट को करने के लिए जैसे आप लोग अपने गेम में इंडियन बैकडम ट्रेड प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिलता होगा। मैं आप लोगों को बता दूं मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करे और रिसर्च में भी को ये पता चला कि हम लोग अपने न्यू अपडेट किसी भी सिक्योर तरीके से नहीं कर सकते जब तक हमारे गेम के डेवलपर प्ले स्टोर पे न्यू अपडेट नहीं दे देते। लेकिन आप लोगों को बता दूं आप लोग अपने गेम को प्ले स्टोर से तो नहीं कर सकते, ओल्ड विजन खेल सकते हो। उसके लिए इंडियन बैकडम ओल्ड विजन सर्च करके गूगल पे इसी तरीके से ओल्ड विजन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बता दूं अपडेट कब तक देखने को मिल जाए, आप लोगों को बता दो आप लोगों का जो अपडेट है वो आप लोगों को 29 तारीख को देखने को मिलने वाला। हमारे जो गेम के डेवलपर है उन्होंने पूरी फिक्स डेट बता दी है, 29 तारीख तक आप लोगों का न्यू अपडेट प्ले स्टोर पे इनेबल कर दूंगा। हमारे गेम के डेवलपर बोला कि 29 तारीख तक न्यू अपडेट अगर वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है तो अपने गेम में 29 तारीख को न्यू अपडेट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। एंड आप लोगों का जैसे न्यू अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों के चैनल पे सबसे पहले अपने गेम में सारे न्यू चीट कोड नंबर जो आने वाले हैं तो वैसे मैंने आप लोगों को सारे चीट कोड नंबर बता दिए हैं, सारी चीजों को दिखा दिया है। बाकी आप लोगों को बता दूं सारे चीट कोड नंबर तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, अपने गेम में न्यू डायनासोर का चीट कोड नंबर अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे अपने गेम में न्यू डायनासोर का चीट कोड नंबर आएगा वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करना, इससे आप लोगों का फायदा होता है और आप लोगों का इस इंपॉर्टेंस लाइफ टाइम में प्रोवाइड होती रहती है, ठीक है। बाकी आप लोगों को बता दूं इस बार के अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में न्यू बोर्ड देखने को मिलने वाली है, न्यू ट्रेन मोड देखने को मिलने वाला है, इस बार के अपडेट में न्यू वेपन्स भी देखने को मिलने वाला है। और जी हां गाइस इस वाले अपडेट में आप लोगों को दो न्यू डायनासोर भी देखने को मिलेंगे और इस वाले अपडेट में पुलिस वाले के अंदर भी देखने को मिलेगा और पानी आप लोगों का इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस वाले अपडेट में आप लोगों को न्यू थार भी देखने को मिलेगी और निसान जीटीआर कार भी, ठीक है। तो इस वाले अपडेट में कुछ इतनी चीजें आने वाली है जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और जैसे अपडेट आता है इस चैनल पर आप लोगों को चीट कोड नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, सारे चीट कोड नंबर मेरे पास आ चुके हैं बट मैं बता देता हूं आप लोगों की गेम में कोई भी इस पे चीट कोड नंबर डायल करने से कुछ भी स्पॉन नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं सेकंड वीडियो में, जब तक लेते हैं गुड बाय टेक केयर।